है जिसका नाम पूजा है, वो कहती है खुलेआम कि हमारे पास शिवाजी की तलवार है, हम लोग जो है 2 घंटे अगर मिलेंगे तो 60,000 मुसलमानों को जो है खत्म कर देंगे। हकीकत में उसको ये नहीं मालूम है कि शिवाजी के जितने भी अंगरक्षक थे वो मुसलमान थे। मैं वार्निंग देती हूँ बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल को कि वो लोग जो बच्चों को अभी स्टूडेंट्स को हिजाब के मामले में जो भड़काऊ बयान कर रहे हैं, जहाँ पे जाफरान शॉल के बारे में लेकर, खबरदार रहें, बच्चियों को पढ़ने दें। हिंदुत्व लफ्ज इन्होंने, तवा इनके पास एक है जिस पे एक रोटी सेक रहे हैं हिंदू नाम की, और उस रोटी को इतना जला दिया कि उसको आलमी पैमाने पर हिंदू लफ्ज को इन्होंने बदनाम किया है। रियासत कर्नाटका में गुज़िश्ता चंद महीनों से फ़िरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने के लिए समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से बड़ी कोशिशें चल रही हैं। बेलगाम में एक मुस्लिम नौजवान का कत्ल किया जाता है और बजरंग दल के कारकुनों की जानिब से मुबैना तौर पर नरगुंद में फसाद फैलाया जाता है। धर्म संसद होता है नरगुंद में, और उसके बाद हाल ही में तकरीबन 2 महीने पहले हिजाब का मसला बरपा किया जाता है, और अब एक और नफरती बयान सामने आ रहा है जिसमें मुबैना तौर पर बजरंग दल से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून मुसलमानों की नस्ल कुशी की दावत देती है। रियासत में फैल रहे इस नफरती माहौल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए सौहार्द ग्रुप सामने आया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ये सौहार्द ग्रुप के अरकान। कैसे देखते हैं इन हालात को? हुकूमत जो है यहाँ की हकीकी जितने भी परेशानियाँ हैं उसको डिवाइड करके बाहर जो बताती है वो सफरनाइजेशन के हिसाब से दिखाती है, धर्म के नाम पर दिखाती है। यहाँ एक सोचने वाली बात है, 4 तारीख को जो है हुकूमत की जानिब से बजट है, बजट में जितने भी दबे कुचले तबकात हैं इन लोगों को बजट में जो देना है उस मामले में उसको कम्प्लीटली उसको इग्नोर करने के लिए जो है यहाँ पर धर्म के नाम पर, हिजाब के नाम पर सियासत चल रही है। कहीं एक जगह जो है बीजापुर में एक लड़की वो अभी पढ़ रही है शायद, जिसका नाम पूजा है, वो कहती है खुलेआम कि हमारे पास शिवाजी की तलवार है, हम लोग जो है 2 घंटे अगर मिलेंगे तो 60,000 मुसलमानों को जो है ख़त्म कर देंगे। हकीकत में उसको ये नहीं मालूम है कि शिवाजी के जितने भी अंगरक्षक थे वो मुसलमान थे, और कभी ज़िंदगी में शिवाजी महाराज ने जो है मुसलमानों के खिलाफ काम नहीं किया, और आज उस शिवाजी का नाम रखकर भी जो है मराठा कम्युनिटी को अपने हाथ में लेने के लिए एक कोशिश चल रही है बीजेपी की। मैं आज आपके माध्यम से एक बात बताता हूँ, मराठा कम्युनिटी जो है वो कर्नाटक में ओबीसी है, ओबीसी की आज तक आपके पास कास्ट सेंसस की गिनती नहीं है, आज उस मराठा को कम्युनिटी को सामने रख के मुसलमानों को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों को जो है आवाम तक ले आने के लिए काम करने के लिए एक सौहार्द ग्रुप के थ्रू से काम चालू है। ये जो बयान आया है सामने, एक आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जो कि जेनोसाइड का कॉल दे रही है मुसलमानों के खिलाफ, इसके मुतालिक क्या रद्द अमल है? सबसे पहले मैं वार्निंग देती हूँ बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल को कि वो लोग जो बच्चों को अभी स्टूडेंट्स को हिजाब के मामले में जो भड़काऊ बयान कर रहे हैं, जहाँ पे जाफरान शॉल के बारे में लेकर, जो इन बच्चियों को उनको पता भी नहीं है वो बच्ची वो क्या बोल रही है, जो उसने शिवाजी की मिसाल दी है, सबसे पहले वो पढ़ना चाहिए शिवाजी की हिस्ट्री के बारे में, ना ही कि ऐसे भड़काऊ बयान दे के ये बीजेपी आरएसएस जो भी हिंदुत्व के आगे लेके चलने के लिए जो भी कर रहे हैं, खबरदार रहें, बच्चियों को पढ़ने दें, और जो अभी जनरेशन आ रही है उन्हें तालीम के बारे में तवज्जो देने के लिए, और उन्हें तालीम की जो भी सहूलियात हैं वो मुहैया करें, ना ही कि उन्हें मजहबों पर फिरका डालें। ये कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में क्या कहेंगे? सर देखिए, ये बीजापुर की जो लड़की का जो बयान है, दरहकीकत इससे पहले भी इन लोगों ने ऐसे कई बयान दिए हुए हैं। ये बयान से ये साबित होता है कि शिवमोगा का जो मामला है, जो फसाद बरपा हुआ है, ये फसाद इनका प्री प्लान था और आगे भी करने का ये प्लान करते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, लेकिन हुकूमत इनके ही कहने पे, मतलब इनके ही हुकूमत है। अब ये लोग हिंदू कम्युनिटी को लेके, कर्नाटका को लेके,
इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम कर चुके हैं। हिंदुत्व लफ्ज़ इन्होंने, तवा इनके पास एक है जिसपे एक रोटी सेक रहे हैं हिंदू नाम की, और उस रोटी को इतना जला दिया कि उसको आलमी पैमाने पर हिंदू लफ्ज़ को इन्होंने बदनाम किया है, कर्नाटका को बदनाम किया है, क्योंकि लड़कियों के पीछे लड़कों को लगाया। हिंदू कम्युनिटी को चाहिए कि इनकी कम्युनिटी को बदनाम करने से रोकें, वरना ये ब्राह्मणवाद हिंदू कम्युनिटी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे सौहार्द ग्रुप के अरकान से। सौहार्द ग्रुप कह रहा है कि जो मुबैना तौर पर बयान आया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक खातून की जानिब से, जिसमें दावत दी जा रही है जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स की, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, और जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है सियासी रोटियां सेकने के लिए, इस पर रोक लगाई जाए। अब देखना यह होगा कि जिस तरह शुमाली हिंद में धर्म संसद में मुस्लिम मुखालिफ बयानात दिए गए थे, नफरत अंगेज बयानात दिए गए थे, वहां पर कुछ हद तक कार्रवाई हुई है। अब देखना यह होगा कि बीजापुर में जो धर्म संसद जैसे बयानात मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के दिए जा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। रफीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।